दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे तमिलनाडु प्रीमियर लीग T20 मैच के बारे में, जो कि यहां से खेला जाएगा चेपॉक वर्सेस मदुराई पैंथर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी तो सिंपल ही आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 रुपये विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माय फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो सबसे पहले विकेट कीपर में जगदीशन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं 15 रन करे, उससे पहले 37 रन इन्होंने करे, फिर 4 रन इन्होंने करे, 13 रन करे और 35 रन करे। तो अगर आप रिसेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो एवरेज रहा है, लेकिन भाई ये प्लेयर काफ़ी अच्छा है, इनका TNPL में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। रंजन पॉल के बारे में बात करें, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 2 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 6 रन करे, फिर अगर मैं बात करूँ उससे पहले अगेन 6 रन इन्होंने करे दोस्तों, फिर 25 रन इन्होंने करे और 88 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस है। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, अगर यहाँ से चेपॉक की टीम पहले बैटिंग करे तो इनको ज़रूर रखिएगा, सेकेंड इनिंग्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन टॉस के बाद मैं डिसाइड करूँगा इनको रखना या नहीं रखना, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। वहीं यहाँ पर किसी और के बारे में बात करें, कोई खास ऑप्शन है नहीं, दो फिलहाल मैं जगदीशन को लेकर चल रहा हूँ, एक हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। बैटिंग में बात करूं, संजय यादव का आपके पास अच्छा ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मिनट में 15 रन इन्होंने करे, फिर 3 रन इन्होंने करे, 2 रन इन्होंने करे दोस्तों, 22 रन इन्होंने करे और 31 रन करे। देखिए स्मॉल लीग में तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इनको लेके चलना है, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, चेपॉक की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप इनको ड्रॉप करके किसी और को रख सकते हो, क्योंकि अगर आप इनका देखोगे ना तो पहले बैटिंग करता है ये बंदा तो हमेशा रन करता है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप हो जाता है, तो ये चीज़ आप जो है ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं। हरी निशांत के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, ओपन करेंगे, लास्ट मिनट में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 24 रन इन्होंने करे, फिर 64 रन इन्होंने करे और 26 करे, रिकॉर्ड देखोगे अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी किसी और के बारे में बात करें तो शशि देव का ऑप्शन है, बट ये यार नंबर 6-7 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, अगर आप इनको अपनी टीम में रख रहे हो तो चेपॉक के आपको टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी अगर किसी और के बारे में बात करें, वी आदित्य का ऑप्शन है, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 8 रन इन्होंने करे, उससे पहले 17 रन करे और 26 रन। देखिए अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इस प्लेयर को जरूर ट्राई करना, आदित्य को। मैं स्मॉल लीग में भी इनको लेके जाने की सोच रहा हूँ और शायद ले सकता हूँ, वो अपडेट आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिलहाल 2 हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें दोस्तों, फिलहाल के लिए जो आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं, तो बाबा अपराजित का ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 79 करे, उससे पहले 74 करे, फिर 12 रन करे, 46 रन करे और 29 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वाशिंगटन सुंदर के बारे में बात करें, नंबर 6 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे,
और रीसेंट के बारे में बात करूँ तो 12 रन इन्होंने करे, 19 रन करे दोस्तों, 24 रन करे और 9 रन करे। वहीं लास्ट 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सिर्फ इन्होंने 3 विकेट निकाले, बट यार इनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, TNPL में अच्छा करा था इसलिए इनकी जो है IPL में भी इनको जो है मिला था मौका और फिर उसकी वजह से इंडियन टीम में भी आए थे। एक्सपीरियंस प्लेयर है, कम बैक कर सकते हैं इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। HS कुमार के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, हरीश कुमार नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में 20 रन करे, उससे पहले 9 रन इन्होंने करे, फिर 32 रन इन्होंने करे, फिर 12 रन करे और 8 रन करे। लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले, एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं दोस्तों स्वप्निल सिंह के बारे में बात करें, लास्ट मैच में इनका सिलेक्शन बहुत कम था और मैंने आपको बोला था ग्रैंड लीग खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो, दोनों तरफ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो हमने इनको रखा भी था और इन्होंने परफॉर्म करा और वन साइडली हमको विन करवा दिया। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, 25 रन करे प्लस 1 विकेट निकाले, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले फॉर्म में नहीं था लेकिन अब आ चुका है तो ये आपको परफॉर्म करके दे देंगे इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूं। कौशिक के बारे में बात करूं, 1 डाउन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे, लेकिन बॉलिंग एक आध ओवर करेंगे, शायद एक ही ओवर करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। लास्ट मिनट में 21 रन करें, उससे पहले 45 रन करें, लास्ट 2 मैचेस में 1 विकेट निकाला है, उससे पहले कुछ मैचेस देखोगे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ, 5 मेरे यहाँ से ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बॉलिंग के बारे में बात करें, राहिल शाह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंटिन्यू विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि लास्ट मिनट में विकेट नहीं निकाले, लेकिन उससे पहले 3 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाला बंदे ने, फिर 2 विकेट निकाले और 1 विकेट, तो इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। मुर्गन अश्विन के बारे में बात करें, लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 2 विकेट इन्होंने निकाला था, सिलेक्शन लास्ट मिनट में कम था थोड़ा सा, हमने रखा और 2 विकेट निकाल लिए। लास्ट 5 मैचेस में 2 ही विकेट निकाले और वो लास्ट ही मैच में इन्होंने निकाले थे। MS के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, लास्ट अगर 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 3 विकेट इन्होंने निकाला है। आप MS और मुर्गन अश्विन जिसमें से जिसकी टीम पहले बॉलिंग करे आप उसको रख सकते हो, फिलहाल मैं मुर्गन अश्विन को रख रहा हूं। जीत सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओपन और डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, 3 विकेट निकाले, उससे पहले 3 विकेट, फिर 0 विकेट, 0 विकेट, तो अगेन 3 विकेट, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं। बाकी यहां से गौतम का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है। गौतम के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, लास्ट मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले और लास्ट 5 मैचेस में इस बंदे ने 7 विकेट निकाले। पहले इनकी टीम बॉलिंग करे तो ज़रूर रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन की कमी नहीं है, बी रॉकी का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है। रीसेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या रहा है, लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों। सरवन के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले फिलहाल अगर मैं बात करूं। और यहां से रोहित का भी आपके पास ऑप्शन है, चैपॉक की टीम पहले बॉलिंग करे तो रख सकते हो, ओवर इनके कट सकते हैं, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक सिर्फ 2 विकेट निकाले। फिलहाल 3 हमारे यहां से बॉलर रहने वाले। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, कैप्टन में बाबा अपराजीत को कर रहा हूं फिलहाल के लिए और वाइस कैप्टन जो है यहां से जो है स्वप्निल सिंह को लेके चल रहा हूं दोस्तों। आप वाशिंगटन सुंदर को भी कर सकते हैं। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।